हरे कृष्णा सात्विक फैमिली, आज हम योगा फॉर पीसीओडी प्रैक्टिस करेंगे। आज के सारे आसन हमारे पेल्विक फ्लोर को खोलेंगे। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला, ये उस एरिया में जो भी स्टोर्ड टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में मदद करेंगे, और उस एरिया में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे। सो इन दोनों ही चीज़ों से पीसीओडी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो आइए हम स्टार्ट करेंगे इन अ स्टैंडिंग पोज। अपने मैट के सेंटर में आ जाइए। इनहेल के साथ हाथों को रेज करेंगे, स्ट्रेच। एक्सहेल हैंड्स टू हार्ट। इनहेल हाथों को रेज करेंगे, एक्सहेल। इनहेल, स्ट्रेच। एक्सहेल के साथ राइट की ओर बेंड होंगे, ब्रीथ। सेंटर में आ जाए, लेफ्ट की ओर बेंड करेंगे, सेंटर में आ जाए। पीछे की ओर हल्का सा बैक बेंड लेंगे, सेंटर। अब हम आगे की ओर बेंड करेंगे, हाथों को अपने थाइस पर ले आए और अपनी पीठ से हम टेबल टॉप बनाएंगे, अर्धा उत्तनासन। आपकी पीठ इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए कि आप एक कप उस पर बैलेंस कर पाए। यहां पर गहरी सांस लेंगे, इनहेल। एक्सहेल के साथ हाथों को मैट पर लाएंगे और फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे। आप यहां पर घुटनों में बेंड रख सकते हैं और अगर हो सके तो घुटनों को सीधा करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अगली इनहेल के साथ हम चेयर पोज में आएंगे, उत्कटासन। इस तरह से हम बैठेंगे जैसे कि एक चेयर में बैठते हैं, घुटनों में बेंड रखेंगे, नीज आर टुगेदर, फीट आर टुगेदर। हाथों को ऊपर की ओर रेज करेंगे, एक्सहेल कम अप टू समास्थिति। इनहेल चेयर पोज, एक्सहेल समास्थिति। इनहेल चेयर पोज, एक्सहेल ऊपर आ जाए। अब हम राइट पैर को पीछे की ओर स्टेप करेंगे एंड वी विल कम ऑन टू द टोज ऑफ आवर राइट फुट। लेफ्ट नी बेंट रहेगी, नी इज डायरेक्टली ओवर द हील। और इनहेल के साथ हम हाथों को रेज करेंगे, इनहेल। एक्सहेल हम हाथों को साइड की ओर खोलेंगे इन वीरभद्रासन टू। राइट पैर एक एंगल पर रहेगा, फर्मली प्लांटेड ऑन द मैट। हाथ साइड की ओर खुले हैं, स्टैंड अप टॉल, increasing the blood flow to the pelvic area. Inhale, lunge. Exhale, open up. Inhale, lunge. Exhale, open up. Last one, inhale, lunge. Exhale, हाथों को साइड में खोलेंगे। अब लेफ्ट पैर को भी हम आगे की ओर पॉइंट करेंगे, हाथों को पीछे क्लास्प करेंगे और वाइड लेगेड फॉरवर्ड फोल्ड लेंगे, प्रसारिता पादोत्तनासन। ब्रीथ।
अब हाथों को मैट पर ले आइए, लेफ्ट हैंड को मैट पर फर्मली प्लांट करके राइट आर्म को ऊपर की ओर खोलेंगे, ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल. अब राइट आर्म को मैट पर ले आए और लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर हम खोलेंगे, दृष्टि लेफ्ट आर्म की ओर रहेगी. गहरी सांस लीजिए. एक बार फिर हाथों को मैट पर ले आए, धीरे धीरे ऊपर आ जाएं. अब टोस को साइड की ओर पॉइंट करेंगे, नीज को बेंड करेंगे और हाथों को साइड में एक्सटेंड करेंगे, कैक्टस आर्म्स. हम गॉडेस पोज ले रहे हैं. इनहेल के साथ हाथों को ऊपर की ओर खोलें और नीज को स्ट्रेटन करें. एक्सहेल गॉडेस. इनहेल एक्सटेंड. एक्सहेल गॉडेस. इनहेल एक्सटेंड. एक्सहेल गॉडेस. अब हाथों को नीज पर ले आए और हम पहले राइट शोल्डर को बेंड करेंगे, लेफ्ट को खोलेंगे, थाइस को भी अंदर से हम खोल रहे हैं. लेफ्ट शोल्डर को बेंड करिए. ब्रीथ. बेंड द राइट शोल्डर. ओपन अप द लेफ्ट. द अदर साइड. लास्ट टाइम राइट शोल्डर को बेंड करेंगे और फिर लेफ्ट को. ऊपर आ जाएं और पैरों की दूरी को थोड़ा कम करें. हाथों को सेंटर में ले आएं और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे टू टेक मलासन, योगिक स्क्वाट. यहाँ पर हम अपनी एल्बोज को घुटनों के अंदर हुक करेंगे और पेल्विक फ्लोर को खोलेंगे. पीठ को सीधा रखिए. ब्री. गहरी सांस अंदर लीजिए. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे. इस बार हम राइट पैर को पीछे की ओर खोलेंगे, लेफ्ट पैर हमारा मैट के आगे की ओर रहेगा. राइट नी को बेंड करेंगे. इनहेल के साथ लंज ऑन द राइट साइड. एक्सहेल. ओपन अप टू वीर. इनहेल लंज. एक्सहेल ओपन अप. इनहेल लंज. एक्सहेल ओपन अप. लास्ट टाइम. इनहेल लंज. एक्सहेल ओपन अप. एक बार फिर पैरों को आगे की ओर फेस करेंगे, हाथों को पीछे क्लास्प करके प्रसारिता पादोत्तमासन. ब्री. नाउ ब्रिंग योर हैंड्स ऑनटू योर हील्स. थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे.
गहरी सांस अंदर लें, रिलीज द हैंड्स, स्लोली कम अप, पॉइंट द टोज आउटसाइड, हाथों को फिर से जॉइन करेंगे हार्ट सेंटर के आगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे मलासन स्क्वाट में। गहरी सांस अंदर, एक्सहेल। मलासन पीसीओडी में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव इश्यूज में आपको बहुत बेनिफिट देगा। रिलीज, कम टू सीटेड और हम बद्ध कोणासन लेंगे, बटरफ्लाई पोज। अपने हाथों को क्लास्प करिए और पैरों के नीचे इस तरह से लेके आइए। पीठ को हम सीधा रखेंगे और पैरों को इस तरह से फ्लैप करेंगे जैसे बटरफ्लाई के विंग्स। इसको पतंग आसन भी बोला जाता है। ब्रीथ, रिलीज। अब जिस तरह से हम एक किताब को खोलते हैं उस तरह से अपने पैरों को खोलेंगे और अपने एल्बोस को थाइस के अंदर हुक करेंगे। सो दिस वे वी कैन ओपन अप द पेल्विक फ्लोर अ लिटिल बिट मोर। ब्रीथ, गहरी सांस लें। वन मोर डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल कम अप। अब हम राइट पैर को साइड की ओर खोलेंगे, लेफ्ट एड़ी हमारे पेल्विक फ्लोर के पास में रहेगी। राइट हैंड की पीस फिंगर्स से हम बिग टो को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खोलेंगे। ब्रीथ, गहरी सांस अंदर लें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट हैंड को मैट पर लाएं, राइट आर्म को ऊपर की ओर खोलें, स्ट्रेच स्ट्रेच। नाउ ब्रिंग द राइट हैंड ऑल्सो ऑन द मैट। राइट पैर को हम मैट के सेंटर में लाएंगे और हमारी जो टॉर्सो है वो लेफ्ट नी की तरफ फेस करेगा। तो हम मैट के आगे की ओर देख रहे हैं अर्ध कपोतासन में। इनहेल। Now see if you can bend your right knee और अपने right hand से right foot को हम पकड़ेंगे। Inhale, exhale, release। अब हम left पैर को खोलेंगे और राइट एड़ी को अंदर की ओर लाएंगे। ग्रैब योर लेफ्ट बिग टो विद योर लेफ्ट हैंड और राइट आर्म को ऊपर की ओर खोलेंगे। फ्री, स्ट्रेच स्ट्रेच द राइट साइड बॉडी। इनहेल, एक्सहेल, राइट हैंड कम्स टू द मैट और हम लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर खोलेंगे, स्ट्रेचिंग आउट द लेफ्ट साइड बॉडी। ब्रीथ डीपली।
जितनी गहरी सांस लेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। अब लेफ्ट आर्म को हम मैट पर लाएंगे। लेफ्ट पैर हमारा मैट के सेंटर में आएगा और हमारी टॉर्सो राइट नी की तरफ फेस करेगी। अर्ध कपोतासन। See if you can bend the left knee. Left पैर को left hand से हम पकड़ेंगे। Elbow के अंदर भी hook कर सकते हैं। Breathe. Deep inhale, exhale, release. Come back to center and open both the legs in Upavishta Konasan. हाथों को आगे की ओर ले आएं और अपनी उंगलियों को धीरे-धीरे आगे की ओर लेके जाएं. So you will feel a nice deep stretch in your inner thighs, opening up the pelvis. Breathe into that area. See if you can come down on your elbows. Release. हम अपनी पीठ पर आएंगे और आनंद बालासन लेंगे। तो हाथों को अपने पैरों पर ले आएं, जिस तरह से छोटे बच्चे इस पोज में आते हैं, वेरी वेरी सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक आनंद बालासन, हैप्पी बेबी। मूव फ्रॉम साइड टू साइड, मसाजिंग द स्पाइन, releasing any tension in the pelvic region. Bending one knee, opening up the other. Just do what feels right. Release. And let us take our final resting pose, Shavasana में आएंगे। हाथों और पैरों को एकदम ढीला छोड़ेंगे। Relax, relax the body, relax the mind. बिना relaxation के healing नहीं हो सकती। This is the time to rest, absorb the nutrients of our practice, relax. हम suggest करेंगे कि आप अगले 5 से 10 मिनट शवासन में लेटें, अपनी बॉडी को consciously relax करें, and then come back to this practice again tomorrow. Wishing you a wonderful day ahead. Hare Krishna, everyone.